और ये कहा कि बाबा गई जमीन, अडानी और अंबानी ले जाएंगे, आप देश के ऊपर मिटते रहे, हम यहाँ मिट जाएंगे। जी जी। तो धवनी मत से ये कानून कोरोना काल में क्यों लागू करे गए और इनमें त्रुटि नहीं है तो संशोधन करने के लिए क्यों तैयार है? आप जैसे कि सैनिक थे, सरकार को यही कहते हैं ये तीनों कानून वापस ले ले और हम भी ये बागबू के अपने घर को जाएं। आप पैदल जा रहे हैं धरने पे सपोर्ट करने? हमारे साथ हैं। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। और हम सिर्फ एक बात के, ये जो झूठी सरकार है, इस झूठी सरकार से झूठ बोलना बंद करने के लिए पैदल मार्च निकाला इन्होंने, हमारी OROP पे जो है झूठ बोला, और अब किसानों के साथ झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, उनको आतंकवादी और जने क्या क्या कहते जा रहे हैं, इसलिए हमें सड़क पर आना पड़ा। OROP मैंने कवर किया था, मोदी जी ने वो तो मांग ली थी, और OROP की सैनिकों की। OROP आपने कवर, मैं भी धरने पर लंबे टाइम रहा, मीडिया हमारे से हाथ जोड़ के गुरु शरण सिंह जी जो थे वो चला रहे थे, मैंने वो कवर किया। नहीं, सरदार जी, सरदार जनरल सरदार सतबीर सिंह चला रहे थे जी, गुरु शरण सिंह भी उनके साथ में थे। हाँ, तो OROP भी इन्होंने पूर्ण रूप से नहीं दिया है, और इसी तरह से इसको खत्म करना चाह रहे हैं कि किसान एकदम खत्म हो जाना चाहिए, और हम चाहते हैं कि जवान और किसान ही नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। तो अब आप किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ी थी, अब किसान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, किसान भी हम हैं और जवान भी हम हैं, और जवान भी हम हैं, किसान भी हम हैं, किसानों के बेटे ही। आप हमें बताइए कि अभी तक किसी नेतागण का बेटा अधिकारी पोस्ट पे भी नहीं है, OR लेवल तो गया अलग, हम तो OR लेवल से संबंध रखते हैं और किसान परिवार से संबंध रखते हैं। तो हम भी फौज की सर्विस करके आए, और हमारे बेटे भी फौज की सर्विस करेंगे और करते रहे हैं और करते रहेंगे। तो अभी आप क्या चाहते हैं, ये कानून वापस ले लिया जाए या इसमें कुछ बदलाव किया जाए? देखिए, बदलाव के लिए तो गवर्नमेंट तैयार है, लेकिन बदलाव से बात नहीं बनेगा। बदलाव तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये लाए क्यों, हम तो ये पूछना चाहते हैं, लाए क्यों, हमारे से मशवरा क्यों नहीं लिया? सर, सरकार का कहना था कि ये पहले से था, इसे अब पहले से उजागर हुआ है। पहले से था तो पहले कभी इतना कड़ा आंदोलन हुआ क्या? चल रहा था, आधे लोगों को पता नहीं था, अनपढ़ किसान थे उस टाइम, लेकिन अब तो पढ़ा लिखा समाज हो गया है। अब जब पढ़ा लिखा समाज हो गया तो वो तो अंग्रेजी के भी और हिंदी के भी, उर्दू के भी, फारसी के भी सब पढ़ेगा। पढ़ेगा तो उसमें क्या क्या मिस्टेकें हैं। हम आंदोलन पर आए हैं तो कोई जल्दी एकदम तो नहीं आए, बहुत लंबे टाइम तक उनको बच्चों ने हमारों ने सर्च करा, देखा और ये कहा कि बाबा गई जमीन, अडानी और अंबानी ले जाएंगे, आप देश के ऊपर मिटते रहे, हम यहाँ मिट जाएंगे। जी जी। तो धवनी मत से ये कानून कोरोना काल में क्यों लागू करे गए और इनमें त्रुटि नहीं है तो संशोधन करने के लिए क्यों तैयार है? बस मैडम, मुझे यही, आंखों में आंसू देख के मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं चाहूंगी कि सरकार आपकी सभी की मांगे माने और इस कानून के लिए कोई रद्दोअमल कर सकते तो करे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ये आंसू आप देश के लिए बहाइए, आपने देश की सेवा की है तो इसलिए आपको इसका फल जरूर मिलेगा, यही कामना करती हूँ। हम भी यही कामना करते हैं कि आपका मीडिया फले और फूले, जो खबर कर रहा है। राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके सर।